हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम एस एडिट। तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज का वीडियो फिर से लेके आ गए एक और राजस्थानी धमाकेदार डीजे स्टेटस एडिटिंग। तो सबसे पहले आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। उससे पहले यार, आज की इस वीडियो में किस चैनल का प्रमोशन होने वाला वो जल्दी से चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, तो मोबाइल की स्क्रीन आ रही होगी गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई इसका नंबर आ चुका है। तो इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो भाई को जाकर सपोर्ट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल ना आपका नंबर भी आएगा तो ये भाई भी आपको सपोर्ट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब चलो, अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए, अचानक घड़ी बदल दी है, खून का आंसू दे दिया, तू बदलो कुल साल किया, जिगर मद जख्मी कर दिया, तू बदलो कुल साल किया, वो तो कर दिया, तू डर डर रो तो। तो है गाइस, आज के स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। और गाइस, अगर आप भी अपना चैनल प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो कैसे करवाना, इसके लिए आपको चार स्टेप फॉलो करने होंगे। ये कौन कौन से स्टेप है मैं बता देता हूँ। पहला गाइस, इस वीडियो को लाइक करना होगा। दूसरा गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा शुरू से लेकर एंड तक। और तीसरा गाइस, एक ही कमेंट करना, ज़्यादा कमेंट नहीं करना। और चौथा गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, ठीक है गाइस। तभी जो गाइस ये चार स्टेप फॉलो करता है उसका नंबर आता है गाइस, वो भी ऑटोमेटिकली, ठीक है गाइस। और उसका प्रमोशन मैं कर देता हूँ गाइस, जो आपको पता होगा कैसे प्रमोशन होता है, ठीक है गाइस। तो चलो अब चलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर बता दूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हो गाइस, ठीक है। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किया गाइस तो वो भी कर लेना गाइस। और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको फुल स्क्रीन स्टेटस देखने को मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर बता दूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, आगे है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको केवल एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन। अगर आपको अलाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये दो प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना, पहला रहेगा एम एस एडिट बीटमा प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा एम एस एडिट इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा गाइस, तो सबसे नीचे जाना आपको, और यहाँ पे देखिए मेरे हिंदी के अंदर लिरिक्स दिख रहे होंगे सबसे पहले, तो ठीक है। तो इन लिरिक्स का आपको फोन चेंज कर लेना। फोन कैसे चेंज करना है, लिरिक्स पे क्लिक करना, उसके बाद डबल टेक्स पे क्लिक करना, ऊपर जाना, यहाँ पे क्लिक करना गाइस। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला फोन आपको डाउनलोड कर लेना। इस फोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करना, ऐड करना। उसके बाद जैसे आप चेंज करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये हिंदी के अंदर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब आपके जितने भी लिरिक्स हैं गाइस, इन सभी के आपको फोन चेंज कर लेना गाइस, ठीक है। जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब इनका फोन चेंज करने के बाद अब जो आपके लिरिक्स है इनके नीचे आपको एक फोटो ऐड करना होगा बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। फोटो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो उस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस, और मेरे को ये वाली फोटो ऐड करना है। तो फोटो पे क्लिक करेंगे तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी इस फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके अंदर फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा, ओके गाइस। अब आपको करना क्या होगा, इस फोटो को आपको बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा। तो बैकग्राउंड के अंदर लेने के लिए आपको इस फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको ले जाना सोंग के जस्ट ऊपर लाके, इसको सेट कर देना गाइस, ठीक है। फोटो यहाँ पे, अभी इस फोटो को कहाँ पर रखना वो मैं बता देता हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, आपको चले जाना यहाँ पे, देखिए इस बीटमार्क पे आ जाना आपको, यहाँ पे जब तक आपके लिरिक्स आ रहे हैं 12.8 सेकंड तक, ठीक है। तो इसी फोटो पे आपको क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना ये फोटो, सो ओके गाइस ये फोटो यहाँ तक आ जाएगी, ओके। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब जो आपके जो लिरिक्स दिख रहे होंगे गाइस, इनके नीचे आपको एक वीडियो लगाना होगा। वीडियो लगाने के लिए आपको फिर से स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर वीडियो है गाइस, ठीक है। और जितने भी चीज़ें यूज करो यार, इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो ये वाली वीडियो गाइस, ठीक है। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे गाइस, तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा गाइस, इसी वीडियो पे आपको फिर से क्लिक करना, और उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पे जाना, और इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ लाना होगा जहाँ पे आपके लिरिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लाना होगा, ठीक है। लाने के बाद में अभी आपके लिरिक्स नहीं दिख रहे होंगे, तो इस लेयर को आपको नीचे की तरफ लेना होगा, लिरिक्स के नीचे, ठीक है। तो आप इसको लिरिक्स के नीचे लेने के लिए इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और जो आपके लिरिक्स आ रहे हैं उनके नीचे ले लेना। तो यहाँ पे लिरिक्स है तो यहाँ पे ले लेना। अभी देख सकते हो गाइस, आपके जो लिरिक्स इसके अंदर आ रहे जो एकदम शानदार दिख रहे गाइस, ठीक है। हल्का सा और नीचे करेंगे गाइस, थोड़ा सा हल्का सा कट रहा है, तो इसी लेयर पर फिर से क्लिक करना वीडियो वाली पे, और उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे, वो हल्का सा और नीचे कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो एकदम परफेक्टली यहाँ पे दिखने लग जाएगा जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वीडियो लग गया। अब इसके अंदर आपको एक वीडियो और लगाना है,
जो ऊपर की तरफ और यहाँ पे म्यूजिक बार आता है, ठीक है, वो वीडियो लगाना होगा आपको। वीडियो लगाने के लिए फिर से स्टार्टिंग इधर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना, सेकंड वाली ये वाली वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह का वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो को ऐड करने के लिए वीडियो पे क्लिक करेंगे गाइस, तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, उसके अंदर प्लस पे क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। अभी देख सकते हो गाइस जो ब्लैक ब्लैक कलर है इसको हटाना होगा गाइस। इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, जो अभी आपने वीडियो लिया ना गाइस, इसी वीडियो पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे एड इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे क्रोमा की इफेक्ट आ रहा है इस पर क्लिक करना, उसके बाद स्टार्टिंग सेटिंग पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे जो कलर है ना गाइस कलर पे क्लिक करना और उसको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना गाइस, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर है वो हट जाएगा गाइस, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा गाइस, ठीक है ना, अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे गाइस, अभी जो देख सकते हो गाइस ये वीडियो यहाँ पे है, ठीक है ना, जो ये लेयर यहाँ पे है इसको बिल्कुल यहाँ पे जहाँ ये वीडियो आ रही नीचे वाली इसके से जस्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए इस वीडियो पे फिर से क्लिक करना है, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे और इसको हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लाना होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आप देखोगे वीडियो गाइस तो कुछ इस प्रकार से ये वीडियो देखेगा, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब ये वीडियो कुछ इस प्रकार से देखेगा, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। अभी ये वीडियो आपको नीचे की तरफ भी लगाना होगा, ठीक है, इस जगह, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए इसी लेयर पे आपको फिर से क्लिक करना है, ठीक है ना, उसके अंदर प्लस लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। तो ये डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा गाइस, इस और जो अभी आपने डुप्लीकेट लेयर किया इस एक लेयर पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे और इसको स्क्रॉल करना इस प्रकार से, ठीक है। और स्क्रॉल करने के बाद में नीचे की तरफ लाना होगा आपको और जो इसके एंड के पोजीशन में रख देना, जो जो आपने वीडियो ऐड करी ना बैकग्राउंड के अंदर, इसके अंदर। अब आपकी वीडियो देखोगे गाइस तो बहुत ही शानदार दिखने लग जाएगी, जो आपकी लिरिक्स बहुत ही शानदार दिख रहा है, ठीक है गाइस। अभी देख सकते हो गाइस, ठीक है, अभी देख लेते हैं गाइस। ये वीडियो हल्का सा ज़्यादा रहता है तो यहाँ से कट कर देना गाइस, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो, ठीक है ना, तो इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे कट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ओके गाइस। उसके बाद आपको जो बैकग्राउंड के अंदर एक वीडियो और ऐड करी थी ये वाली, ठीक है, तो ये भी हल्की सी ज़्यादा गाइस, इसी वीडियो पर क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे कट जाएगा, ठीक है ना। अब फाइनल गाइस यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, जो देख सकते हो आपके लिरिक्स बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहे हैं और ये वाला इफेक्ट भी बहुत ही शानदार दिख रहा है गाइस। अभी आपको करना क्या होगा गाइस, ठीक है, यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। और ये दोनों वीडियो है ना गाइस, इनको आपको ग्रुप के अंदर ऐड करना होगा। अब ग्रुप के अंदर ऐड करने के लिए इस दोनों वीडियो को इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, ओके गाइस। और जो ये सेकंड वाला ये फर्स्ट वाला लेयर है ना गाइस, इस वाले लेयर पर क्लिक कर देना गाइस, तो ये ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब आपको जहाँ खाली जगह है यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा बिटमार्क के हिसाब से, उसके बाद आगे आना है। यहाँ पे ये दो लेयर दिख रहे होंगे गाइस, इन दोनों लेयर के अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टार वाला आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो उस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से देखिए गाइस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और देख लेते हो गाइस कौन सी फोटो है मेरे को ऐड करना है, ये वाली फोटो, ठीक है। फोटो पे क्लिक करेंगे गाइस तो फोटो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस तो फोटो इसके अंदर आ जाएगी, जो देख सकते हो गाइस बहुत ही शानदार दिख रही है गाइस, ठीक है। इसी प्रकार से ये सेकंड वाली लेयर है ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर भी फोटो ऐड करना होगा तो इस सेकंड वाले लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टार वाले आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको सेकंड वाला फोटो ऐड करना होगा। तो सेकंड फोटो ये वाली ऐड कर लेता हूँ गाइस, ये वाली, ठीक है। तो फोटो पे क्लिक करेंगे तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस तो फोटो इसके अंदर आ जाएगी, जो देख सकते हो गाइस बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद यहाँ पे खाली जगह है, बिटमार्क है, यहाँ पे आपको फोटो ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे आना गाइस और एक लेयर ये मिल रहा है गाइस जो 20.15 सेकंड पे, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसी सेम तरीके से आपको फोटो ऐड करना होगा, तो इसी लेयर पे क्लिक करना है, उसके अंदर उसके बाद में कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टार वाले आइकन पे क्लिक करना, उसके बाद इसके अंदर ये वाली फोटो ऐड करेंगे। फोटो पे क्लिक करेंगे तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना गाइस तो ये फोटो यहाँ इसके अंदर आ जाएगी गाइस, जो बहुत ही शानदार तरीके से दिखेगी गाइस, जो देख सकते हो, ओके गाइस। अब आपको करना क्या होगा गाइस, अब आपको जितने भी बिटमार्क है खाली जगह है यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा। अब फोटो कैसे ऐड करना गाइस, तो मैं एक फोटो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी फोटो आप ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। तो आपको आ जाना गाइस सबसे पहले 12.8 सेकंड पे आ जाना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हूँ गाइस और ये वाली मेरे को फोटो ऐड करना गाइस। तो फोटो पे क्लिक करेंगे गाइस तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो का फुल स्क्रीन करना तो थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके अंदर फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके अंदर अगले बिटमार्क पे जाना और जो पीछे के स्टफ रहता है उसको काटना है तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। इसी प्रकार से आपको यार जहाँ पे भी खाली जगह ना वहाँ वहाँ पे आपको फोटो ऐड कर लेना एंड तक गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ, नहीं तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो ओके गाइस, आप देखिए इसी प्रकार से मैंने यहाँ से एंड तक फोटो ऐड कर ली गाइस, ठीक है। इस प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेना एंड तक, ठीक। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट देखिए गाइस इस फोटो से आपको लगाना होगा, मतलब 12.8 सेकंड से, ठीक है। अब इन फोटो के अंदर यहाँ पे तीन फोटो आ रही, इनके अंदर कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, ठीक है।
तो यहाँ से आपको बैक जाना पहले तो इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है ये वाली, ठीक है। फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेंगे, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस। देखिए गाइस यहाँ पे आ जाना आपको 12.8 सेकंड पे, और यहाँ पे तीन फोटो मिलेगी। इन तीनों फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है, इन तीनों फोटो के अंदर। ओके गाइस इस प्रकार से। ओके अब यहाँ तक आप कंप्लीट हो जाएगी, इन तीनों फोटो के अंदर आपको इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके बाद आगे आना है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाना गाइस, ठीक है, इस बीट मार्क पे 15.24 सेकंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोटो आ रही, अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ से आपको बैक आना है और इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको देखिएगा इस ये एक फोटो मिल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इस फोटो पे आपको जो नीचे फोटो दिख रही होगी इस फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना क्या होगा, और ऊपर दो लेयर और मिल रहे होंगे, इन दोनों लेयर को आपको कॉपी कर लेना, सेलेक्ट करना पहले तो इस प्रकार से दोनों लेयर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट नंबर का वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना फिर से, और आपको जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गया। आपको आ जाना गया यहाँ पे 15.24 सेकंड पे, उसके बाद ये फोटो मिल रही है, ठीक है। फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो बहुत ही शानदार है, ठीक है। जो अभी आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, जो गाइस दो लेयर आपने कॉपी किए थे वो दोनों लेयर भी यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट टू लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। तो ये दोनों लेयर यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएंगे गाइस, जो कुछ इस प्रकार से देखेंगे गाइस, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। इसी प्रकार से गाइस ये इफेक्ट देखिए, फोटो के अंदर आपको इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है ना, और ऊपर दो लेयर पेस्ट करना है, ठीक है ना, जो मैंने बता दी इस प्रकार से, ठीक है। अब ये कहाँ तक करना गाइस वो टाइमिंग देख लो गाइस, 15.24 सेकंड से लेके और गाइस, और ये आपको यहाँ तक इस बीट मार्क तक कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको इफेक्ट भी लगाना होगा और दोनों लेयर आपको पेस्ट करना है, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया गैस, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने पहले ही काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगले बीट मार्क पे आना है, और यहाँ पे देखिए गैस तीन छोटी छोटी फोटो मिलेगी, एक और दो और तीन, ठीक है ना, जो 21.22 सेकंड पे, ठीक है। अब इनके अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना है, यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद तीन नंबर पे यहाँ पे ये वाला छोटी सी फोटो दिख रही होगी गैस, ये वाली, ठीक है। इस फोटो पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, उसके बाद बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना, आपको आ जाना गाइस यहाँ पे देखिए 21.22 सेकंड पे। और ये दी गाइस ये भी ध्यान रखना है, ये तीनों फोटो सेम ही आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस मेरी ये तीनों फोटो सेम है, ठीक है। तो ये तीनों फोटो आपको सेम करनी है ऐड, ठीक है। उसके बाद इन तीनों फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये तीनों फोटो के अंदर ये इफेक्ट पेस्ट कर देना। जो देखिए टाइमिंग भी बता देता हूँ गाइस आपको, ठीक है ना, 21.22 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट आपको 22.19 सेकंड इस फोटो तक आपको लगा देना। उसके बाद अगले बीट मार्क पे आओगे गाइस, 22.19 सेकंड पे ये वाली फोटो आ रही गाइस, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, यहाँ से आपको फिर से बैक जाना है और उसके बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको चले जाना गाइस ये जो लास्ट वाली फोटो ये वाली, ठीक है। अब इस फोटो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इसी फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा गाइस, ऊपर दो लेयर भी मिल रहे होंगे गाइस, इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, ठीक है, होल्ड करके रखना, सेलेक्ट कर लेना दोनों लेयर को। उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। कॉपी टू लेयर पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, ओके गाइस। उसके बाद बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। उसके बाद जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ गाइस उस टाइमिंग पे चले जाना है। तो यहाँ पे आ जाना गाइस, देखिए 22.19 सेकंड पे आ जाना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। इसी प्रकार से आप वो दो लेयर भी आपको पेस्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो दोनों लेयर पेस्ट करने के लिए आप प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट टू लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। तो वे दोनों लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको करने क्या होगा, जो ये ऊपर वाला लेयर है ना, ऊपर वाला पे जो लेयर है, ठीक है, इसको आगे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना है और इसको इस प्रकार से आगे की तरफ आपको पेस्ट करना है अगले बिट मार्क पे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब देखिए गाइस एक फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा, दूसरी फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से ऊपर, देखिए एक ऊपर की तरफ आएगा और दूसरी फोटो के अंदर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखिए इन सभी फोटो के अंदर तो पहले यहाँ पे देखिए इफेक्ट पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो 22.19 सेकंड से लेके और आपको एंड तक तो पहले तो ये इफेक्ट पेस्ट कर देना फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ओके गाइस, अब आपको करना क्या है, जो आपने अभी दो लेयर लगाए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना गाइस, ये दो लेयर लगाए होंगे आपको। अब इन दोनों लेयर को आपको फिर से कॉपी करना है। तो इन लेयर को इस प्रकार से
वो सेलेक्ट करना दोनों लेयर को, उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना और कॉपी टू लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद अगली बिट मार्क पे आना, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट टू लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेयर आपके पेस्ट हो जाएंगे आगे की तरफ। अगर कम है गाइस तो अब आपको इसको कटिंग करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो इस लेयर पे क्लिक करेंगे, स्पीड पे क्लिक करेंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करने क्या होगा, ये वाला लेयर हल्का सा पीछे है तो इस लेयर पे क्लिक करेंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और पीछे के सोके के इस प्रकार से ये देखिए जो ये लेयर देखिए गाइस ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों लेयर, अब इसी प्रकार से ये दोनों लेयर को एंड तक पेस्ट करना होगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर अगले बिट मार्क पे जाओगे, फिर से पहला प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पर क्लिक करोगे गाइस। ठीक है, उसका ना देखिए अगर ज्यादा तो गाइस कटिंग कर देना गाइस। ठीक है, इस प्रकार से आपको एंड तक कर देना गाइस। फाइनल गाइस आपका वीडियो पूरा कंप्लीट बन जाएगा गाइस। अब इसके अंदर आपको बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा। बॉर्डर पीएनजी ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आ जाना, प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना और यहां से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बॉर्डर पीएनजी गाइस। ठीक है, और इस बॉर्डर पीएनजी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो ये वाला बॉर्डर पीएनजी रहेगा गाइस। ठीक है, बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर पीएनजी यहां पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस तो एकदम बॉर्डर पीएनजी एकदम परफेक्टली यहां पे ऐड हो जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद इस बॉर्डर पीएनजी को गाइस एंड तक रखना होगा, तो इसी बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करना, उसके एंड के अंदर चले जाओ और इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये बॉर्डर पीएनजी एंड तक आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब आपको करने क्या होगा गाइस, इसके अंदर अपना लोगो ऐड करना होगा। लोगो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, फिर से प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना और यहां से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका लोगो है उस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहां से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूं, पहले तो फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस और मैं देख लेता हूं गाइस कहां पे मेरा लोगो है, तो वो जल्दी से देख लेता हूं। तो ये रहा गाइस मेरा लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे गाइस तो लोगो यहां पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना। और अगर आप भी कुछ इस तरह का लोगो बनाना चाहते हो गाइस तो मेरे को कमेंट करना, इस पे मैं बहुत जल्दी वीडियो ले आऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। लेकिन गाइस अब इस लोगो को ऐड करना है तो लोगो लोगो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस तो ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लोगो को जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हो वहाँ पे आपको इसको सेट कर लेना, उसकी थोड़ी सी मैं साइज कम कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे, और आप भी अपने हिसाब से जो साइज रखना चाहते हो रख लेना गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी साइज कम कर ली गाइस। ठीक है, उसके बाद इसको जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हो वहाँ पे इसको सेट कर लेना गाइस, तो मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगा गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या करना गाइस, ये लेयर यहाँ तक ही गाइस, अब इसको एंड तक करना होगा, इसी लेयर पे क्लिक करना और एंड के अंदर चले जाओ और इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, एंड तक आ जाएगा। फाइनल गाइस वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब इस वीडियो को गैलरी के अंदर सेव करना गाइस, सेव करने के लिए इस वाला आइकन पे क्लिक करना, उसके बाद वीडियो पे सेलेक्ट करना, उसके बाद इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन वो सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है वो रख लेना। तो मेरे फोन में तो 1080 सपोर्ट कर रहा है, तो मैं 1080 रख लेता हूँ। इसके बाद इसको फुल कर देना, अगर क्वालिटी कम है गाइस तो क्वालिटी को फुल बढ़ा के एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना गाइस, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, ये पूरी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना गाइस, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।